Hello everyone and welcome to ExamBee. So in this video we are going to talk about SEBI and NABARD and SEBI और NABARD में IT aspirants के लिए क्या opportunities हैं, SEBI और NABARD पिछले कई सालों से किस type से recruitment कर रहे हैं, क्या pattern है उनके लिए. So ये video उन सारे aspirants के लिए helpful है जो IT में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कीपिंग गवर्नमेंट सेक्टर इन माइंड. ऑल्सो उन सारे लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं लेकिन उनको IT सेक्टर में अपने आप को चेंज लेकर के आना है. मीन्स लोग जो IT में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हाउ दे कैन गेट इनटू SEBI एंड NABARD जैसी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में, प्लस ऐसे लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं बट नॉन IT बैकग्राउंड के हैं और वो अपना IT बैकग्राउंड वापस लाना चाहते हैं क्योंकि उनका ग्रेजुएशन IT रिलेटेड फील्ड में है. सो हाउ दे कैन गो इनटू SEBI एंड NABARD, ये हमारा पहला पॉइंट रहेगा. दूसरा पॉइंट रहेगा इन दोनों एग्जाम्स के पैटर्न को इवैल्यूएट करना, किस टाइप के एस्पिरेंट्स के लिए SEBI ज्यादा बेहतर है, किस टाइप के एस्पिरेंट्स के लिए NABARD ज्यादा बेहतर है. देन वी विल कम एंड लुक एट द पे स्केल्स, SEBI और NABARD किस टाइप के पे स्केल्स को ऑफर करते हैं. उसके बाद वी विल लुक वॉट इज द माइक्रो थिंग जो कि SEBI और NABARD के एग्जाम को डिफरेंशिएट करती है, क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है और किस टाइप का एक्सपोजर आपको इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है, बिकॉज वन इज रेगुलेटरी एंड अदर इज सुपरवाइजरी बॉडी. सो हमें वो सारी चीजें इस वीडियो में एनालिसिस करके पता चलने वाली है. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स, स्टे ट्यून्ड विथ अस एंड स्टे विथ अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो. ऑल्सो इस वीडियो के एंड में आई विल रिवील वन ऑफ द ऑफर दैट वी आर रनिंग ऑन ऑल अवर कोर्सेज फॉर यू ऑल टू गेट एन हेल्प टू ज्वाइन आई ExamBee एज वेल एज टू गेट अहेड इन योर करियर फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस हेयर इज द एलिजिबिलिटी. एलिजिबिलिटी NABARD और SEBI में किस तरह की है, दोनों की अलग अलग है. अलग अलग सेट ऑफ पीपल NABARD और SEBI के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जैसे NABARD is like only the people जिन्होंने computer science में किसी type का कुछ कर रखा है, graduation या फिर post graduation, सिर्फ वही apply कर सकते हैं. Means अगर आपका bachelorate, आपका computer science, computer technology, computer application, information technology में है, जो कि prescribed marks हैं 60 and 55, reserved और unreserved categories के लिए, वो आपके फुलफिल होने चाहिए. अगर आपका बैचलरेट किसी और डिग्री में है लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है विथ 55 एंड 50% मार्क्स एज शोन इन द स्लाइड, सो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं. सो NABARD इज वेरी फोकस्ड कि जिन लोगों ने अपना UG या PG कंप्यूटर रिलेटेड चीजों में किया हुआ है, IT रिलेटेड चीजों में किया हुआ है, सिर्फ वही यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं. बट दिस डज नॉट गो विथ SEBI. SEBI इज लाइक कोई भी डिग्री करी हो आपने बैचलर में, मतलब आपके पास कोई भी डिग्री करी हो, लाइक बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग में लाइक BTech, ऑल दी BTechs आर एप्लीकेबल है. कोई भी बैचलर्स डिग्री आपने करी हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, केमिकल हो, कोई भी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं. या फिर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, IT या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूट से जो भी इन दोनों चीजों को लेके करते हैं. मतलब अगर आपका बैचलरेट कहीं और का है लेकिन आपने हायर एजुकेशन मीन्स PG अगर आपने जो कि 2 साल का है मिनिमम आपने कंप्यूटर रिलेटेड चीजों में किया है तो भी आप अलाउड हैं SEBI के एग्जाम को लिखने के लिए इन टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ द क्वालिफिकेशन. ठीक है, सो यहाँ पे आप समझ गए कि जो लोग NABARD का एग्जाम लिख सकते हैं वो सब SEBI का भी एग्जाम लिख सकते हैं, लेकिन SEBI का एग्जाम जो सबको लिख सकता है वो सबको NABARD का नहीं लिख सकता. ठीक है, सो SEBI ऑफर्स मोर नंबर ऑफ पीपल टू अप्लाई. ऐसा पहले नहीं था, ये अभी हमारा लास्ट ईयर के ही रिक्रूटमेंट से चेंज हुआ है. इसके पहले देवर ऑल्सो स्पेसिफिक कि हम केवल CSIT के ही बैकग्राउंड के लोगों को अलाउ करेंगे, बट ये अभी पिछले साल से चेंज हो गया है. Now let's come to the next topic, mode of selection. Selection कैसे होता है SEBI में. So SEBI का जो selection procedure है ये 3 phases में होता है, phase 1, phase 2 and phase 3. So phase 1 में क्या होता है, आपके पास एक exam होता है जो कि MCQ based होता है. उसमें आपको 2 paper होते हैं, वो दोनों paper अलग अलग set of topics को test करते हैं. जैसे कि paper 1 में आपके पास English, Cons, Reasoning और General Awareness होती है. ठीक है, 100 मार्क्स की 60 मिनट्स होते हैं और इस 100 नंबर में से आपको मिनिमम 30 नंबर लेके आने हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश, कॉन्स
और रीजनिंग और जीए का कुछ सेक्शनल कट ऑफ है, सेक्शनल नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ है 30। तो अगर किसी को जनरल अवेयरनेस नहीं आती है, नो प्रॉब्लम, मेक श्योर कि आप क्यूआरई में अच्छे नंबर लाके ये 30% का क्राइटेरिया मीट करते हैं। देन पेपर टू में यू विल हैव आईटी रिलेटेड क्वेश्चंस इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। यहाँ पर आपको 40 मिनट्स मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का लेवल इजी टू मॉडरेट होता है और यहाँ पे कट ऑफ 40 है, ठीक है। मतलब मिनिमम आपको इंडिविजुअल सेशन में 30 और 40 लेके आने हैं। एग्रीगेट कट ऑफ 40 चाहिए, मीन्स आप या तो पेपर वन में अपना स्कोर बढ़ा ले 10% से, या पेपर टू में बढ़ा ले 10% से, या पेपर वन पेपर टू में क्यूमुलेटिवली आप 10% बढ़ा ले, ठीक है। तो आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ नहीं देखना है पेपर्स के, आपको एग्रीगेट कट ऑफ देखना है। अगर आपने एग्रीगेट कट ऑफ मीट कर लिया, कोई मेरिट लिस्टिंग नहीं होती है, ये सारे के सारे लोग अलाउड होते हैं फेज टू का एग्जाम लिखने के लिए, ठीक है। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, एज यू कैन सी इन पॉइंट नंबर टू, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, जो भी कट ऑफ है वो ओवरऑल पेपर के ऊपर है, 30 और 40 रेस्पेक्टिवली, एंड एग्रीगेट कट ऑफ इज 40। आई होप अभी आप क्लियर हो गए इस पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ एग्जाम से। उसके बाद जिसमें मेन चीज है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, वो भी आपको ध्यान में रखनी है, नेगेटिव मार्किंग है। देन फेज टू, जो लोग पास करते हैं फेज वन, वो लोग फेज टू लिखते हैं। फेज टू जब आप लिखते हैं तो आपको अगेन दो पेपर लिखने होते हैं। वो दोनों पेपर में क्या क्या होता है, पेपर वन आपका इंग्लिश का होता है, उसमें आपको 3 क्वेश्चंस होते हैं, प्रेसी, एसे एंड 1 लेटर। सो ये तीनों चीजें आपको जो लिखनी होती हैं, ये 60 मिनट्स में लिखनी होती हैं और 100 नंबर की होती हैं, कट ऑफ 30% होता है, ठीक है। मतलब कि 100 में से 30 नंबर तो लाने ही लाने हैं। अगर आपके 100 में से 30 नहीं आए तो आप आगे किसी भी तरीके से फेज थ्री के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। आपको लेके आने ही आने हैं 30%। फिर पेपर टू की बात करते हैं, तो आईटी का पेपर होता है और यहाँ पे कोडिंग टेस्ट होता है। माइंड एवरीवन, इट इज अ कोडिंग टेस्ट जहाँ पे आपको केवल 3 लैंग्वेज प्रोवाइडेड होती हैं, C++, जावा एंड पाइथन, और यहाँ पे आपको 210 मिनट्स मिलते हैं, जिसमें 30 मिनट्स आपको केवल पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं और 180 मिनट्स आपको मिलते हैं उस पेपर को कोड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो कट ऑफ है सेक्शनल वो है 40%। यू कैन सी द वेटेज एज वेल, 1/3 इज फॉर इंग्लिश एंड 2/3 इज फॉर आईटी। सो डेफिनेटली आपको आईटी के पेपर में ज्यादा नंबर लेकर के आने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट टू द फाइनल लिस्ट। ऑल्सो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन द फाइनल सिलेक्शन। जिन लोगों के इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में 2-4 नंबर भी पीछे रह जाते हैं, वो फाइनल लिस्ट में इवन गोइंग एंड अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। This is the experience of the candidates जो कि पिछले साल तक अपियर हुए हैं, एंड कोडिंग पेपर में 100 out of 100 लाने के बाद भी, क्योंकि इंग्लिश में थोड़े से नंबर कम रह गए, उनको फाइनल लिस्ट में जगह नहीं मिली, ठीक है। तो ये चीज को आपको बहुत ध्यान में रखना है, इंग्लिश को आईटी पेपर के आगे अंडरमाइन नहीं करना है, अंडर एस्टिमेट करने की कोई गलती ना करें। ओवरऑल कट ऑफ यहाँ पर 50% हो जाता है, मीन्स आपको दोनों पेपर में से अगेन इंडिविजुअली 10-10% अपलिफ्ट करिए, या आप एग्रीगेटली 10% अपलिफ्ट करिए, मिनिमम 50% होना ही चाहिए। यहाँ पर मेरिट लिस्टिंग भी होती है, ओके, यहाँ पर मेरिट लिस्टिंग होती है, और ये पर्टिकुलर फेज विल गेट इनटू द इवैल्यूएशन फॉर द फाइनल सिलेक्शन। मतलब फेज टू में कितने नंबर लाएंगे और फेज थ्री दैट इज इंटरव्यू, वहां पे कितने लाएंगे, इन दोनों के नंबर जोड़ करके ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेपर टू के बारे में। अभी पेपर टू में क्या आता है, पेपर वन में क्या आता है, फेज वन में पेपर टू में क्या आता है, इसका सिलेबस भी आगे डिस्क्राइब किया हुआ है मैंने, वो भी स्लाइड्स आप देख सकते हैं। ये पिछले साल के नोटिफिकेशन से स्नैप लिए हुए हैं, सो दीज आर इक्विवेलेंट। इफ यू डोंट वॉन्ट टू गो एंड रीड द इंटायर नोटिफिकेशन, आपको यहाँ से समझ में आएगा, ये पिछले साल का नोटिफिकेशन है, दैट इज 2022। अभी आगे बात करते हैं इंटरव्यू की। सो जो इंटरव्यू है उसको 15% का वेटेज दिया गया है, ठीक है। 85% वेटेज आपके फेज टू के नंबर है, मतलब जो 100 नंबर है जिससे आपका सिलेक्शन डिफाइन है, उसमें से 85% का जो ब्रिक है वो आपका फेज टू का है, और 15% का जो ब्रिक है वो आपका नंबर, वो आपका इसका है, इंटरव्यू का है, राइट। सो ये दोनों चीजें आपको 100% मार्क्स के लिए होती है, और आप जितने भी लेके आएंगे उसके हिसाब से मेरिट बनेगा, एंड देन आपकी फाइनल लिस्ट तैयार होकर के यू विल गेट टू नो वेदर यू आर इन और आउट, ठीक है। तो यहाँ पर ये थे 3 प्रोसेस इन द मोड ऑफ सिलेक्शन सेबी के लिए। अभी हम नबार्ड के लिए बात करते हैं। सो नबार्ड के लिए थोड़ा नहीं, ये बहुत अलग है फेज वन सेबी से। यहाँ पर आपको आईटी को छोड़ के सब कुछ पढ़ना पड़ेगा प्रिलिमिनरी राउंड के लिए। तो यहाँ पे आपको 8 सेक्शन के टेस्ट देने हैं, ठीक है।
2 घंटे में 8 सेक्शन के टेस्ट देने हैं, और ये जो टेस्ट होंगे इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, कॉन्स, कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, ESI, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये सब आएगा। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, जो कि एक IT के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी IT रिलेटेड नहीं है। सो यहाँ आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा अपना, बाकी सेक्शन जो GA और ESI और ARD है उसको बूस्टअप करने के लिए। यहाँ पे जो सबसे बड़ा ट्रिक है वो ये है कि जो मेरिट बनती है प्री राउंड से मेंस राउंड में जाने के लिए, वो बनती है आपके जनरल अवेयरनेस, ESI और ARD से। मतलब आपके इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, कॉन्स, डिसीजन मेकिंग, इनके नंबर नहीं ऐड होते हैं। यू जस्ट नीड टू पास द सेक्शनल कट ऑफ इन ऊपर के 5 पेपर्स में। नीचे के जो 3 पेपर है 6, 7 एंड 8, उसके नंबर एक्चुअली मेरिट सेक्शन के लिए काउंट होते हैं। ठीक है, उसमें आप जितने नंबर लेकर के आएंगे वही आपको डिसाइड करेंगे कि आप आगे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सो यहाँ पर सेबी की तरह देखा जाए तो सेबी में कोई इस तरह का नहीं है कि आपको अदर टॉपिक्स आने चाहिए, बट NABARD में है इस तरह का। सो यू हैव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल टू गेट फ्रॉम प्री टू मेन्स इन NABARD। सो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड होता है मेंस का, और उसके बाद होता है इंटरव्यू। सो मेंस में क्या होता है, 2 पेपर होते हैं। ये दोनों पेपर में से जो पेपर 1 है आपका, वो सेम है सेबी के जैसे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 3 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स, 90 मिनट्स, यहाँ पे टाइम थोड़ा ज्यादा रहता है, आप आराम से लिखिए। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 यहाँ पर जो होता है, इसमें 2 टाइप के होते हैं। IT का ही पेपर होगा पेपर 2, लेकिन ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव 2 तरह से डिवाइडेड होगा। ऑब्जेक्टिव में आपको 30 क्वेश्चंस होंगे, 50 नंबर के और 30 मिनट्स मिलेंगे। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव पेपर खत्म हो जाएगा, जैसे उसका 30 मिनट्स का टाइम खत्म हो जाएगा, आपको नेक्स्ट 90 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव के। और ये 6 क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं, ये 6 क्वेश्चंस आपको डिवाइड होकर के मिलेंगे 15 और 10 नंबर के क्वेश्चंस में। 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, 2 15 नंबर के और 2 10 10 नंबर के। क्यूमुलेटिवली ये आपको 50 मार्क्स देंगे एंड ड्यूरेशन 90 मिनट्स है। डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, आपको इसमें क्या कहते हैं, इंग्लिश या हिंदी कोई भी लैंग्वेज चूज करके आप लिख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे कोडिंग नहीं आती है, सारे आंसर जैसे आप यूनिवर्सिटी में अपने कॉलेज में लिखते थे वैसे ही लिखने हैं। सो यहाँ पे कोई भी कोडिंग नहीं आती, तो जिन लोगों की कोडिंग वीक है वो इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। बट अगेन एज ऐसे जो सबसे बड़ा कैच है वो है फेज 1, जिसमें आपको ESI, ERD और GMB स्कोर करना पड़ेगा टू गेट इनटू द मेंस। नाउ इंटरव्यू इसमें 50 मार्क्स का होता है, तो ओवरऑल सिलेक्शन आपका 250 मार्क्स से होता है, 200 मार्क्स फ्रॉम मेंस एग्जामिनेशन एंड 50 मार्क्स फ्रॉम द इंटरव्यू। 250 में से जिसके जितने नंबर आते हैं उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है, एक वेट लिस्ट बनती है, और आपको उस हिसाब से आपके रिजल्ट बताए जाते हैं। After the entire recruitment is over in SEBI and NABARD, आपको पता चलता है कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। Now, the next video, कितना पे स्केल है। So, पे स्केल आप देख सकते हैं SEBI में, it start from 44,500 as in basic, and उसके बाद जो भी इंक्रीमेंट और DA लग रहा है वो है सारा। NABARD में यही चीज 28,150 as per the notification है, but it is increased to same level as SEBI। वहां पर भी 44,500 हो चुका है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है दिस इज नॉट द सेम राइट नाउ, जो लोगों को वहां पे भी सैलरी मिल रहा है NABARD ग्रेड में, उनका भी जो बेसिक है जो इंक्रीज हो चुका है, दैट इज अप टू 45,500। ओके, सो यहाँ पे स्नैप रिक्रूटमेंट प्रोसेस से लिया गया है, लेकिन इट हैज बीन चेंज, बेसिक पे इज बीन इंक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू 11th BPS। इसके ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल पे एक अलग से वीडियो बना है रिगार्डिंग द सैलरी ऑफ NABARD ग्रेड ए ऑफिसर। यू कैन गो एंड वॉच क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है, डिटेल्ड मैनर में पूरी पे स्लिप डिस्कस हुई है। सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। सिमिलरली फॉर सेबी के लिए भी कितना अलाउंसेज रहता है, क्या इनहैंड रहती है, क्या ग्रॉस रहती है, Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटी के हिसाब से कैसे एमोलमेंट्स होते हैं सेबी और NABARD में, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है सेपरेट वीडियो में। सो हम अभी यहाँ उसकी बात नहीं करेंगे, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो आफ्टर दिस वीडियो। देन कमिंग टू द सिलेबस, सो यू कैन सी सेबी में पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग अलग सिलेबस है। पेपर 1 में आपके पास 9 चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, पॉज कर लीजिए वीडियो, जस्ट अंडरस्टैंड क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, वेटेज क्या क्या है, और हर टॉपिक के अंदर क्या क्या डिटेल टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो पेपर 2 होता है उसमें 4 चीजें आती हैं, वो 4 चीजों का भी अपना वेटेज है, एंड देन आपके फाइनल मार्क्स आते हैं। ठीक है, सो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस वेरी
क्रिटिकल रोल प्ले करता है सेबी में, और बहुत ही टू द पॉइंट प्रिपरेशन करनी होती है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है और सिलेबस को स्टिक करके आपको पढ़ाई करनी है. एंड इफ यू डू अ सिंसियर एफर्ट डेफिनेटली यू कैन क्रैक सेबी नो मैटर कितनी वैकेंसी आती है. देन द नेक्स्ट थिंग फॉर द नबार्ड, नबार्ड का सिलेबस आप उसी जगह देखेंगे एज कम्पेयर टू सेबी इज वेरी वेग. यहाँ पर आप देखेंगे दे हैव जस्ट मेंशन द सब्जेक्ट, उसके अंदर क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं दे आर ओनली इंडिकेटिव, दे आर नॉट एग्जॉस्टिव. यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी किया है कि ये जो टॉपिक्स आपके पास हैं दीज आर नॉट एग्जॉस्टिव, वी कैन आस्क एनीथिंग आउट ऑफ दीज चैप्टर्स एज वेल, और इसके अलावा कहीं से भी हो सकता है जो टॉपिक्स ना लिखे वो हम ना पूछें या फिर जो टॉपिक हमने नहीं लिखे वो हम पूछें. सो कुल मिला के लिए जब नाबार्ड की बात आती है सो आपको कुछ चैप्टर को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि किनको पढ़ना है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या एक्चुअली ट्रेंड है नाबार्ड का. ये दोनों चीजें समझने के बाद यू हैव टू डू अ वेरी स्पेसिफिक स्टडी, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है. ये सब चीजें करने के लिए वी आर हेयर टू हेल्प यू, क्योंकि नबार्ड का सिलेबस इज वेरी वीक. अगर आप एक एक चीजें पढ़ने चले जाएंगे यू विल टेक एटलीस्ट अ मंथ टू कंप्लीट एवरी सिंगल थिंग, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि इसी से पेपर आएगा, इसके बाहर से भी पेपर आ सकता है, या फिर हो सकता है इसको आप जिसमें आप ज्यादा टाइम वेस्ट करें. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू वेस्ट अ टाइम ऑन कंसेप्ट ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग रिपोर्टिंग टूल्स, हो सकता है इसमें से कोई सवाल ही ना आए, पिछले 2 साल में इससे कोई भी सवाल नहीं आया है. सो आप यहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे बट एक्चुअली दिस इज नॉट द नीड ऑफ द आवर. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नॉन इंपॉर्टेंट है, और उसके हिसाब से यू हैव टू स्टडी. सो दिस इज अबाउट द सिलेबस ऑफ नबार्ड. ये पिछले 2 रिक्रूटमेंट से सेम रहा है, सो मोर ओवर आगे भी सेम ही रहेगा. नाउ द लास्ट थिंग दैट वी हैव हेयर इज विद द डिफरेंस बिटवीन द सेबी एंड नबार्ड, मतलब सेबी और नबार्ड के बीच में एग्जैक्टली क्या चेंज है. सो पहले तो हमने समझ लिया फेज वन के बीच में क्या डिफरेंस है. जो मेन डिफरेंस IT वालों के लिए आता है वो आता है कोडिंग और नॉन कोडिंग के लिए, ठीक है. सो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने अपने करियर में कोडिंग ज्यादा नहीं करी है सो आई थिंक दे मस्ट गो विथ नबार्ड, उनको नबार्ड के लिए जाना है. और कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने कोडिंग करी है या छूट गई है कोडिंग, या फिर दे आर डूइंग कोडिंग रेगुलरली, दे शुड गो फॉर सेबी, ठीक है. क्योंकि सेबी में जो कोडिंग का पेपर है दैट इज नॉट दैट इजी टू क्रैक, दैट इज इजी टू क्रैक, बट अब जब वो बात आती है कॉम्पिटिशन क्रैक करने के लिए तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है. लेकिन अगर आपके अंदर कोडिंग को लेकर थोड़ा भी डर है देन आई थिंक नबार्ड इज द एग्जाम फॉर यू. और अगर आपको कोडिंग में मजा आता है एंड यू लाइक चैलेंजेस देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई बोथ सेबी एंड नबार्ड, क्योंकि जिसने कोडिंग कर ली वो तो नॉन कोडिंग के क्वेश्चंस भी कर ही लेगा. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेबी एंड नबार्ड एज फार एज IT लोगों की स्किल सेट कंसर्न्ड है, ठीक है. बाकी फेज वन में क्या डिफरेंसेस है वो हमने डिस्कस कर लिए है. नाउ लेट्स गो टू द फाइनल थिंग दैट आई प्रॉमिस्ड यू इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो. हमारी फ्लैश सेल चल रही है जो कि 24 आवर्स की है एंड दिस विल बी वैलिड टिल 25th of February, दैट इज टूडे. एंड यहाँ पर हमारे सारे ऑनलाइन कोर्सेज में आपको फ्लैश 46% ऑफ मिलेगा. जस्ट यूज द कोड फ्लैश FLASH 46. यू कैन एनरोल नाउ टू प्रिपेयर 50% फास्टर विद अस. इफ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन. इफ यू आर स्टिल एन अनसब्सक्राइब्ड यूजर एंड वॉचिंग द वीडियो डू हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड टू गेट रेगुलर अपडेट्स do hit the bell icon. We'll keep on bringing more such videos to update you for the upcoming notifications in IT as well as non-IT examination. Till that time, keep practicing and stay updated.